और आगे अगली बड़ी खबर के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र से आज ये बड़ी खबर आ रही है जहां कांग्रेस की आज मुंबई में एक अहम बैठक होने वाली है। थोड़ी ही देर में होटल लीला में ये मीटिंग होगी। विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। नाना पटोले की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है, रमेश चेन्नीथला और नाना पटोले। तो विधानसभा चुनाव साथ ही सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सब जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है। अब सीट शेयरिंग के मामले में कितनी सीटें यहां पर कांग्रेस के हिस्से आती है, तो होटल लीला में ये मीटिंग थोड़ी ही देर में होने वाली है और इंद्रजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, अब यहां पर सीट शेयरिंग में कांग्रेस की क्या हिस्सेदारी होगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरह प्रदर्शन सबसे अच्छा कांग्रेस का रहा, पहले नंबर की पार्टी बन गई, तो ये बड़ा सवाल है। तो लग रहा है कि आज इस मीटिंग में सवाल का जवाब सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, इंटरनली कांग्रेस इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी, क्योंकि 7 तारीख को महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग पर बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें तीनों पार्टियों के बड़े नेता मौजूद रहेंगे और उसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। फाइनल चर्चा तो इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से एक बड़ी चर्चा की शुरुआत होगी जो फाइनल तक जाएगी, और उसके लिए इंटरनली कांग्रेस कितनी तैयार है उसको लेकर यह बैठक चल रही है। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उन पर बार बार आरोप लग रहा था कि वो ज़्यादातर जो सीटें महाविकास आघाड़ी में उन्होंने ली थी वो विदर्भ की सीटें ली थी, हालांकि विदर्भ में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इससे जो उनकी जो उन पर आरोप लग रहे थे, जो उनकी कमियां थी, वो कहीं ना कहीं छुप गई। यही कारण है कि कोऑर्डिनेशन की एक बैठक चल रही है जिसमें जो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं चेन्नीथला वो रहेंगे, और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है। इसमें ये भी देखा जाएगा कि कांग्रेस किस तरह से आगे बार्गेनिंग करे, किस तरह से कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी में लड़े, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो लोकसभा चुनाव में अच्छा था, उसके आधार पर ज़्यादा सीटों की मांग की जाएगी। इसके अलावा सीटों को भी चिन्हित किया जाएगा कि किन किन सीटों की मांग करनी है, कहाँ कहाँ पर कांग्रेस मजबूत है, किसको किसको लड़ाया जा सकता है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा एक सबसे प्रमुख बात यह है कि कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी बहुत है, उस पर भी बात होगी कि किस तरह से सबको साथ लेकर चलना है और किस तरह से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको प्रचार में कहां कहां पे प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा तीनों पार्टियों का जो कोऑर्डिनेशन होगा, कहां पे दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं को ले जाकर अपने उम्मीदवार को फायदा पहुंचाया जा सकता है, इन सारे मुद्दों पर आज इंटरनली कांग्रेस चर्चा करेगी। इम्पोर्टेंट होगी इस लिहाज से क्योंकि 7 तारीख को एमवीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत इस तमाम जानकारी के लिए।